जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से व भगवान शनि देव की कृपा से आज 12 में से 7 राशि वालों की किस्मत चमकेगी। इन 7 राशियों में आज है मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शनिवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत मघा नक्षत्र से होगी और सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:52 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:24 पर होगा। और आज राहुकाल प्रातःकाल 9:30 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 10:49 तक राहुकाल रहेगा। तो आज राहुकाल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा में। तो आज के दिन आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। पूर्व दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो आज उड़द खा करके या अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा। प्रातःकाल 11:47 से आरंभ होकर के दोपहर 12:29 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरम्भ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन उस प्रकार से रहेगा कि आज आप जिस बात की आशंका कर रहे हैं वह बात नहीं बन पाएगी। यदि आप किसी वसूली आदि पर जा रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज किसी से कोई वादा आपको नहीं करना चाहिए। आज यह भी हो सकता है कि आप जिसका भला करने की सोचें वह आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुँचा दें, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रह करके काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आज परिवार के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपके लिए विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता के मंदिर में तेल का दान करें और ओम रवि पुत्राय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आज आपके कंधे पर कुछ अतिरिक्त कार्यभार हो सकता है। वहीं यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो कोई नया काम आपको सौंपा जा सकता है। जिम्मेदारियां आज आपकी बढ़ सकती है। रही बात घरेलू समस्याओं की तो वहां भी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी, लेकिन ऐसे में परेशान आपको नहीं होना चाहिए बल्कि अपने वरिष्ठों की राय लेना चाहिए। इससे हो सकता है कि आपकी समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। इससे आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता के मंदिर में जाएं, एक काला वस्त्र और काले उड़द अर्पित करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपको कुछ उत्तरदायित्व वाला काम मिलने वाला रहेगा।
इससे आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए, अच्छा फल भी आपको मिलेगा। आज शाम को चलते फिरते अचानक प्रियजन से मुलाकात के योग हैं, साथ ही आपको उसकी तत्काल मदद भी करना पड़ सकती है और व्यापार व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां आएगी, लेकिन इसके बावजूद आप स्वयं को कमजोर नहीं समझें। यकीन रखें कि आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा, आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात यथाशक्ति शनि देवता की पूजन करें, शमी पत्र अर्पित करें और पुष्प की माला अर्पित करें, मिठाई का भोग लगावें और ओम यमाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष सलाह यह है कि आज एकाएक ही आवेश के वशीभूत होकर कोई गलती करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाएं, यानी कि बेहतर होगा कि खुद के अलावा दूसरों के बारे में अच्छा विचार रखें, सकारात्मक विचारधारा रखें। ध्यान रखें, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे बीच में आप नहीं छोड़ें। आज किसी नए व्यवसाय या अनुबंध का योग बन रहा है या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल है। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता को तेल से स्नान करावें, काला वस्त्र और काली ध्वजा का दान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज सिंह राशि के जातकों के लिए सलाह यह है कि अपने चारों तरफ के वातावरण पर नजर बनाए रखें। खास तौर पर उन लोगों से आप सतर्क रहें जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हों या आपको कोई गुप्त शत्रु हो। इसके अलावा व्यापार यदि कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस में कोई राइवल हो तो उसे भी नज़रअंदाज आप नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात यथाशक्ति शनि देवता की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, शनि देवता के मंदिर में अनाज का दान करें, एक श्रीफल चढ़ावें और ओम यमाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। कोई अगर आपकी ओर प्रेम प्रणय का हाथ बढ़ा रहा है तो आप अपना स्टेटस देखकर उसका जवाब दें, क्योंकि हो सकता है कि वह आपका कोई शारीरिक फायदा उठा सकता है। आज आपका कोई शोषण भी कर सकता है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ फेर बदल करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि यह बदलाव आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम जरूर लेकर के आएगा। परिवार को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयत्न आज आपको करना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। यदि आप किसी उलझन में पड़े हैं या फिर प्रेमी जन की किसी बात से आप परेशान हैं या जीवन साथी से परेशान हैं तो आपको अपनी मजबूरी या असमर्थता साफ साफ जाहिर कर देना चाहिए, स्पष्ट व्यवहार करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह परेशानियां जल्दी ही आपकी खत्म होगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कागज पत्रों को संभाल करके आप रखें, अन्यथा किसी बड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 55% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे
तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता की यथाशक्ति पूजन करें, शनि देवता के मंदिर में काला वस्त्र और काले तिल का दान करें और ओम शम शनेश्चराय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। यदि आज आप कोई नौकरी आदि खोज रहे हैं या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपने ही इर्द गिर्द लोगों की मदद आप ले सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो और आपको अपने स्तर पर जो भी करना है उसे समय रहते आपको कर लेना चाहिए। किसी भी कार्य में आलस्य आपको आज नहीं करना चाहिए। मन को एकाग्र रख करके काम करेंगे तो काफ़ी सफल रहेंगे। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर आज विवाद हो सकता है, इसलिए आज आपको प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता को तेल से स्नान करावें, शनि देवता के मंदिर में काली ध्वजा का दान करें, शमी पत्र अर्पित करें और ओम यमाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आप अपने काम को निकालने में लापरवाही करने से बचें, क्योंकि अगर आपने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में आशातीत सफलता का समाचार मिलने से मन में हर्ष रहेगा। सायंकाल में कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। रात्रि में उत्साहवर्धक मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात गंध पुष्प अक्षत के द्वारा शनि देवता का पूजन करें, शनि देवता के मंदिर में ऋतुफल और अनाज अर्पित करें, शमी पत्र चढ़ावें और ओम रुद्र गणाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपके लिए किसी पुराने संकल्प को पूरा करने का दिन है। आपने किसी देवता के मंदिर में मनोती मांग रखी है तो उसके लिए तत्परता से समय अवश्य निकालें या वह काम पहले कर दें। जितना भी आप किसी मामले को लंबा खींचने की कोशिश में रहेंगे आगे चल करके उसी में आपकी मुसीबतें बढ़ जाएगी, आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। हालांकि आने वाले समय में आपके लिए कोई अच्छी न्यूज इंतजार कर रही है। राज्य मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात स्टील या लोहे के पात्र में तेल ले जा करके शनि देवता के मंदिर में अर्पित करें और ओम शम शनेश्चराय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज काफ़ी अरसे बाद आपकी रूटीन लाइफ में कोई परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई नया ओहदा या पद आपको मिल रहा है तो आप उसके स्वीकार करने में देर नहीं लगाएं। हो सकता है कि यहीं से आपके लिए तरक्की के द्वार खुल जाएं और परिवार में भी शुभ समाचार के संकेत मिल रहे हैं। आमदनी के नए स्त्रोत्र आपके लिए निर्मित होंगे। आज वाणी की सौम्यता आपको सम्मान प्राप्त करवाएगी और शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता प्राप्ति के योग हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें,
श्रीफल और मिश्री का भोग अर्पित करें और ओम यमाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपको सज धज करके कहीं जाना पड़ सकता है या फिर किसी सभा समारोह के लिए तैयार होना पड़ सकता है या किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आज फिजूल खर्च और तड़क भड़क से दूरी बनाए रखें। किसी को शान दिखाने वाले व्यक्ति से अपना मुकाबला आप नहीं करें। आज दोपहर पश्चात किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण हो सकती है या किसी भी विवाद में आपको सफलता मिलने के योग हैं। आज आपके शुभ खर्च और आपके मान सम्मान में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता के मंदिर में अनाज व ऋतु फल का दान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।